गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर के IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई है अन्य योजना। आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एक बार फिर से मोदी सरकार की सराहना की है। आपको बता दें कि सराहना में कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अधिकतम गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी से बेहाल स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत, अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगेगा स्कूल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक स्कूलों की टाइमिंग को लेकर खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। अब जिले में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक स्कूल लगेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मुंबई में मिला देश का पहला कोरोना वायरस XE संक्रमण का मामला, जानिए कितना खतरनाक है ये वेरिएंट। आपको बता दें कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के हटने के बाद राहत की सांस ले रहे देश के लोगों के लिए एक फिर नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। मुंबई में COVID-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XE का पहला केस मिला है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। आपको बता दें कि ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। राहत की बात तो ये है कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में फिलहाल कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना के पैसे अगर खाते में नहीं आ रहे तो घर बैठे कर सकते हैं चेक। आपको बता दें कि देश के किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके, खेती के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े। सरकार की इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम किसान योजना शामिल है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है और ये पैसा किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 3 किस्तों में किया जाता है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और 2,000 रुपए की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप अपना स्टेटस खुद ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जब आप जाएंगे तो एक नया टैब खुलेगा। यहां पर आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर का विकल्प दिखाई देगा। ये सभी को भरने के बाद आपको यहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अभी और लगेंगे महंगाई के झटके, दूध के दाम फिर बढ़ाने की तैयारी, अमूल के MD ने दिया बड़ा संकेत। यहां पर आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई के पहले से ही मार झेल रहे देश की आम जनता को इससे हाल फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभी जनता को महंगाई के और भी झटके लगने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमूल का दूध महंगा हुआ था और एक बार फिर से इसमें इजाफे के आसार दिखने लगे हैं। कंपनी के अधिकारियों की माने तो जिस हिसाब से एनर्जी, रसद और पैकेजिंग लागत बढ़ रही है, दूध के दाम में बढ़ोतरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और कंपनी के MD ने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी दे दिए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की AC खरीदना हुआ 5,000 रुपए तक महंगा, फ्रिज कूलर के दाम भी छुड़ा रहे हैं पसीने। यहाँ पर आपको बता दें कि इस साल गर्मी और लू के प्रकोप पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि भारतीय इतिहास में मार्च का महीना 122 साल में सबसे अधिक गर्म रहा है। ऐसे में अगर आप गर्मी की तपिश के बीच में चैन की नींद सोने के लिए एयर कंडीशनर यानी कि AC खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब जल सकती है। दरअसल आसमान छूती महंगाई की मार AC की कीमत पर भी पड़ी है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के कारण अब सप्लाई चेन भी प्रभावित होने से AC के दाम में इजाफा हो गया है। और आपको बता दें कि इसी के चलते कंपनियों ने AC की कीमत में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि कूलर के दाम में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही महंगाई की मार से फ्रिज के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन में लॉकडाउन के बीच एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को चीन में कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। गौरतलब है कि चीन ने कोरोना को हराने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की हुई है, लेकिन इस समय ये भी फेल नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सोने के भाव में लगातार गिरावट, एक महीने में 4,000 रुपए घटी है कीमत। आपको बता दें कि सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 51,387 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी की बात करें तो 66,623 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि HDFC बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई, यहां जाने कितना होगा फायदा।
आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। बुधवार को बैंक ने FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। 2 करोड़ रुपए से कम की जमा वाली राशि यानी कि FD पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक नई दरें बुधवार यानी कि 6 अप्रैल से लागू हो गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, मुंबई और गुजरात में CNG महंगी हुई, 2.5 से 7 रुपए तक बढ़े दाम। आपको बता दें कि सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने के बाद दिल्ली, मुंबई और गुजरात में अब CNG की कीमतों में बुधवार को भारी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में कीमत 7 रुपए बढ़कर 67 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जबकि गुजरात में गैस के दाम में 6.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को दी नसीहत। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से किसी तरह का ऊर्जा आयात न बढ़ाए। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि रूसी तेल या फिर अन्य रूसी सामानों के आयात में तेजी लाना भारत के हित में नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने मंगलवार को कहा कि हमें नहीं लगता कि रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाना या फिर आयात को बढ़ाना भारत के हित में है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बूटा नरसंहार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे जघन्य युद्ध अपराध, रूस पर खूब बरसे ज़ेलेंस्की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग का 42वां दिन बीत चुका है और आज 43वां दिन है। आज की अगर तस्वीर देखें तो कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। यूक्रेन के शहर-शहर हमले और विनाश की नई तस्वीरें आ गई हैं। दोनेत्स्क के इलाकों में जबरदस्त जंग तेज हो चुकी है। वहीं यूक्रेन में बूचा में जो कुछ हुआ उसको लेकर पुतिन अब पूरी दुनिया में निशाने पर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम देशों ने इसकी निंदा की है और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर दी है। ज़ेलेंस्की ने UNSC में अपने संबोधन में रूसी फौज के जुल्म की पूरी तस्वीर पेश कर दी है। रूस पर बरसते हुए ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि बूचा नरसंहार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे जघन्य युद्ध अपराध है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुश्किल समय में भारत कर रहे मदद, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने की PM नरेंद्र मोदी की तारीफ। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और दवाओं समेत रोजमर्रा के उपयोग की तमाम चीजों की किल्लत हो गई है। इसके साथ ही वहां राजनीतिक संकट भी जारी है। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। भारत ने इस मुश्किल हालात में श्रीलंका की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। साथ ही आपको बता दें कि अब श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने अपने देश के हालात पर टिप्पणी की है। उन्होंने एक ओर जहां अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं दूसरी ओर भारत की तारीफों के पुल भी बांधे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिलहाल नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी के साथ लू भी चलने लगी है। मौसम विभाग ने कहा है कि लंबे समय तक इन इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण ऐसे हालात हैं और पारा तेजी से चढ़ गया है। फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार तक 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।